नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ग्रोथ की वैक्सीन खेती के बदलेंगे दिन। बजट आने वाला है और आज इसलिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या इस बजट में खेती किसानी के ऊपर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं क्या। जिस तरह से एग्रीकल्चर के हालात हैं, जो किसानों की मांग है, इन सबको देखते हुए ये बजट खेती किसानी के लिहाज से क्या कुछ खास होने वाला है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट हैं सी के, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ हैं संदीप सबरवाल साहब, सीईओ हैं SLCM के। हमारे साथ संजय सचेती हैं, को चेयरमैन नेशनल एग्रीकल्चर कमिटी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत संजय सचेती जी आपसे मैं करना चाहूँगा, चूँकि आप फिक्की से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री बॉडी से, तो ऐसे में अच्छा लगता है उनसे हमारा संपर्क कभी नहीं हो पा रहा है। तो अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, चूँकि आप एग्रीकल्चर को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके हिसाब से जो मौजूदा चुनौतियाँ हैं सरकार के सामने खेती किसानी को लेकर, और जो एग्रीकल्चर की अपनी चुनौतियाँ हैं, किसानों की जो अपनी चुनौतियाँ हैं, उसको देखते हुए इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, पहले इस पर हम बात करते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे क्या कुछ होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो आर्थिक हालात हैं सरकार के, कोरोना की वजह से हम सब जानते हैं, और जो किसानों की अपनी समस्याएं हैं वो भी हम जानते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है इस बार? देखिए मृत्युंजय जी, मेरा एक तो ये मानना है कि आज की तारीख में अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, वो काफी अच्छा काम कर रहा है। और मेरे को ज्यादा ताजुब नहीं होगा कि इस बार अपना 4% या 5% की रेंज में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, तो ग्रोथ एग्रीकल्चर में डेफिनेटली हो रही है और मानसून भी अच्छे रहे हैं। बट ये जो फार्मर एजिटेशन वगैरह हुआ है, इससे एक चीज तो सामने आई है कि कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट रहा है बिटवीन रूरल एरियाज एंड अर्बन। मैं समझता हूँ कि ये सरकार इस बार काफी कुछ एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देगी, और चूंकि हम लोग ऑयल सीड और शुगर सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, तो हम लोगों को तो ये मानना है कि शायद इस बार गवर्नमेंट कुछ न कुछ इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दे और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, एग्रीकल्चर फील्ड में अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है। अब आप खुद भी देखें कि इस समय गेहूं की सामने फसल अपनी खोपड़ी पे है और पुराना गेहूं आज भी नहीं निकला है। तो हम लोगों की ये इच्छा है कि शायद गवर्नमेंट इस बार कुछ न कुछ ऐसा करे कि पंजाब हरियाणा का जो फार्मर है, जो गेहूं और चावल और गेहूं चावल यही साइकिल में भिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं शायद इसमें कुछ बदलाव आए। उसके लिए उसको इस बजट में गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे और एनकरेज करे कि ऑयल सीड की तरफ वो ज्यादा ध्यान दे। तो एक चीज तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस तरफ ध्यान देगी। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत ज्यादा बातें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते रहते हैं, तो मेरा अंदाज है कि इस बार कुछ न कुछ आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान देने के लिए शायद ऑयल सीड को, जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है, उसको इस बार क्रियान्वित किया जाए और उसको एनकरेज किया जाए। तो ये भी एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है। और जहां तक मतलब मेरा तो ये मानना है कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इस बार सपोर्ट करने के लिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स के ऊपर कुछ ड्यूटीज या सेस कोरोना के नाम पे या कोई भी ना करके कुछ ना कुछ करे। तो इससे हो सकता है कि एडिबल ऑयल जो अपना काफी ज्यादा इम्पोर्ट होता है, उसमें भी इस बार कुछ ड्यूटी के ऊपर हो सकता है। जहां तक पाम का सवाल है, पिछले कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने 10% पाम ऑयल पे ड्यूटी लगाई थी। जी जी अतुल जी, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि इस बार शायद गवर्नमेंट उस ड्यूटी को
वापस लागू कर दे। अच्छा ठीक है, तो बहुत बहुत सर आपकी डिमांड की फेरिस बहुत लंबी है अतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास। और आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि क्या कुछ एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि डिमांड तो बहुत सारी आ रही हैं सरकार के सामने, लेकिन कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसकी पूरी होने की संभावना ज़्यादा है, या फिर सरकार सक्षम है उन मांगों को पूरी करने के लिए, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब संजय सचेती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर, चूंकि आप फिक्की से जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर की कमेटी में हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों ने क्या सुझाव दिया है एग्रीकल्चर को लेकर, जिससे एक तो ये कि किसानों की नाराजगी जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर है वो थोड़ी कम हो, और दूसरा ये कि जो सरकार ने कहा है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, उस दिशा में प्रयास तेज करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए इस बजट से? देखिए, आज अगर भारत की आप स्थिति देखें सारी बड़ी क्रॉप्स में, हमारे पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रोडक्शन के लेवल पे। उसके कारण आज की डेट में काफी एक्सपोर्टेबल सरप्लस हर कमोडिटी में हमारे पास आ गया है, लेकिन चूंकि हमारी उत्पादकता बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके कारण इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस कारण ये एक्सपोर्टेबल सरप्लस होने के बावजूद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिए हमारी प्राइजेस पैरिटी में नहीं रहती हैं एक्सपोर्ट के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने MEIS स्कीम का सहारा दिया था किसानों को और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, बट वो वाली स्कीम अब हटा दी गई है और उसकी जगह रॉडटेप का ऐलान हुआ है, लेकिन रॉडटेप के बारे में अभी खुलासा पूरा हुआ नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि क्या रेट्स दी जाएंगी निर्यात करने के लिए। निर्यात अगर नहीं हुआ तो किसानों की आमदनी तो डेफिनेटली कम होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर सरप्लस रहेगा और उस कारण प्राइजेस सॉफ्ट रहेंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है दैट कि जितने भी क्रॉप जिसमें सरप्लस है, भले ही वो कॉटन हो, शुगर हो, वीट हो, राइस हो, इसमें निर्यात को पूरा सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम्स बड़ी तरीके से टाइमली और सही लेवल पे डिक्लेयर की जाए। तो हम चाहेंगे कि बजट में इसका पूरा प्रावधान हो। पीछे ये देखा गया है कि बजट में जब इसका पूरा प्रावधान नहीं होता है तो गवर्नमेंट डिक्लेयर तो करती है इस तरह की स्कीम, लेकिन उसके अंतर्गत पैसा नहीं दिया जाता, पेमेंट नहीं किया जाता है टाइमली रूप से। उससे पूरे क्षेत्र में एक कैश का अभाव हो जाता है और किसानों को पैसा देने में उद्योग को दिक्कत होती है, जैसा कि चीनी उद्योग को प्रॉब्लम हुई है कि एक्सपोर्ट सब्सिडी है वो एक एक डेढ़ डेढ़ या दो दो साल बाद दी गई है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा बजट में प्रोविजन करना होगा और इसको जल्दी ही देना पड़ेगा, डिसबर्स करना होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर को लेकर जो बातें हो रही हैं और ख़ास करके जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है, इन सब के ऊपर काम तेज होना चाहिए, जल्दी से जल्दी पैसा मिलना चाहिए ताकि किसानों का भी वक्त पे भुगतान हो पाए। लेकिन अब संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपका सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है पूरे एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर, पूरे एग्रीकल्चर के डिमांड सप्लाई को देखकर आपका सेगमेंट बेहद अहम है। अब चूंकि अभी जो ताज़ा हालात हैं किसान आंदोलन को लेकर, उसमें एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि सरकार मजबूरन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट करती है धान का, गेहूं का, लिहाजा रखने की जगह नहीं है, वेयरहाउस नहीं है और लाखों टन अनाज जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसको लेकर के एक समस्या देश के सामने है। अब चूंकि हम गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं, बाकी क्रॉप में भी ठीक ठाक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से इन सबके बीच वेयरहाउस सेक्टर कहाँ पर खड़ा है और वेयरहाउस सेक्टर के लिए किस तरह के प्रावधान इस बजट में होने चाहिए ताकि जो रखरखाव की समस्या है अनाज की उसको हम दूर कर पाए बहुत हद तक? संदीप जी। मृत्यु जी, पहले तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बाकी पैनलिस्ट ने मेरे को बोला या आपको बता रहे हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे आप निर्यात की बात करें या आयात की बात करें, और वेयर हाउसिंग एक कॉस्ट सेंटर होता है एग्रीकल्चर में।
कॉस्ट सेंटर क्यों है, क्योंकि जब आपका फसल पैदा होगी तो वो फसल कहीं तो रखेंगे, तो वहां पे वेयरहाउसिंग का पार्ट आता है। हाँ, इस पार्ट पे दो प्रावधान हैं, दो चीजें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक इसमें मिसनोमर चल रहा है कई सालों से कि वेयरहाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये इसलिए मिसनोमर मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वेयरहाउसिंग की मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कॉस्ट कंसर्न मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉस्ट है पूरे सिस्टम पे। अगर मैं वेयरहाउसिंग देखूं और स्टैंड अलोन वेयरहाउसिंग का मैं देखता हूं कि इसमें किसी को निवेश करना है तो वेयरहाउसिंग एग्रीकल्चर वेयरहाउसिंग स्टैंड अलोन 10 साल में पे बैक देता है, तो कोई भी लार्ज कैपिटल इस सेक्टर में नहीं आता है। अच्छा, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप, मैं पिछले 3 बजटों से हम ये मांग कर रहे हैं कि वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट में एक कॉस्ट है जीएसटी का, क्योंकि जब मैं सर्विसेज देता हूँ वेयरहाउसिंग की तो वो जीएसटी डिवॉइड है, परंतु जब मैं गोदाम लीज पे लेता हूँ या भाड़े पे लेता हूँ तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड जीएसटी लागू है। तो वो 18% जो जीएसटी कॉस्ट है वो मैं कहीं ना कहीं आगे अपने कॉस्टिंग में बिल्ड करता हूँ, जिससे मेरा जो कैरी कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो कहीं पे रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी इस सेक्टर के लिए जरूरत है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, मैं स्पेसिफिकली मैं वेयरहाउसिंग की बात कर रहा हूँ कि जो माल रखा हुआ है गोदाम में तो उसके रख रखाव के ऊपर हम इंश्योरेंस लेते हैं कि नेचुरल पेरिल्स के अगेंस्ट की वही गोदाम में पानी ना आ जाए, बर्गुलरी ना हो जाए, फायर ना लग जाए, वो पिछले 2 सालों में 150% से ऊपर उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है प्रीमियम की। 150%। और क्राइम इंश्योरेंस जो लेते हैं या फिडेलिटी इंश्योरेंस हम लेते हैं वेयरहाउसेस पे, उस पे पिछले 2 सालों में 400% कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब अगर ये कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कॉस्ट जाएगी कहाँ? या तो कंज्यूमर बेयर करेगा ये कॉस्ट, या अगर आप एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्टर बेयर करेगा। जो संजय जी ने बात बोली कि फिर हमारा जो क्रॉप है वो वर्ल्ड मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेबल ही नहीं रहता क्योंकि हमारी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है। और वेयरहाउसिंग सेक्टर के साथ इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि वेयरहाउसिंग सेक्टर इज आल्सो इनेबलर फॉर वेयरहाउस फाइनेंसिंग, और वहां पे आ जाता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात, जो हम सब बात कर रहे हैं कि किसान की आय बढ़नी है तो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन भी चाहिए है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो एनबीएफसी के प्रावधान है, आप बात करते हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट, आपके पास गारंटी फंड है फॉर स्मॉल फार्मर कंसोर्टियम, पर एनबीएफसी के पास नहीं है। ठीक बात है, ये आपने जो कहा कि वेयरहाउस सेक्टर के सामने इस वक्त क्या चैलेंजेज हैं, क्या चुनौतियां हैं और उसको सरकार को किस तरह से देखना चाहिए, टैकल करना चाहिए। अब अतुल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बड़ा मुद्दा है किसानों की एमएसपी को इंश्योर करना, जो डिमांड भी हो रही है, और किसानों की आमदनी को बढ़ाना। मैं 2022 को अगर जिक्र ना भी करूँ तो अल्टीमेटली जो इनकम है किसानों की वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, थोड़ा उसमें वक्त लग सकता है। आप ये बताएं कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है और क्या इसका रास्ता निकालने के लिए इस बजट में कुछ खास ऐलान होने चाहिए क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर मामलों के जानकार हैं उनका ये कहना है कि किसानों एमएसपी की सरकारी गारंटी देना ये सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा, और सारी फसलों की एमएसपी पर खरीद हो जाए पूरी की पूरी, ये भी मुमकिन नहीं होगा। तो बाजार की ऐसी कौन सी व्यवस्था बने या उसके लिए प्रयास होता हुआ इस बजट में दिखे जिससे किसानों को वाजिब भाव मिले, इसको लेकर के थोड़ी सी श्योरिटी आए। नहीं, बिल्कुल, एक बड़ा ये ज्वलंत मुद्दा है। इससे पहले कि मैं आपकी बात पे गौर करूं और टच करूं, एक मेरा सजेशन ये है कि इस साल हिंदुस्तान में हर चीज की इफरात है। अच्छा, गेहूं भी ज्यादा है, चावल भी ज्यादा है, शक्कर भी ज्यादा है। हाँ, और वर्ल्ड में कमोडिटी के प्राइजेस बहुत स्ट्रांग है। तो अगर हिंदुस्तान को अपना ये जो गेहूं इतना जो अंबार अपने पास खड़ा हुआ है इसको अगर एनकैश करना है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया मौका है। मुश्किल से $25-30 का भी अगर गवर्नमेंट ने वो दे दिया एक्सपोर्ट का सॉप्स, हाँ, तो ये जबरदस्त क्वांटिटी में गेहूं हिंदुस्तान से बाहर चला जाएगा और हिंदुस्तान को आगे खरीदने की भी बहुत ज्यादा जगह बन जाएगी। जो आज अपने सारे स्टोरेजेस बिल्कुल चौका ब्लॉक हैं, हाँ, वो वापस खाली हो जाएंगे और पैसा भी खुल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरे मुद्दे पे। आपने जो बात छेड़ी है एमएसपी की, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एमएसपी अगर अपने चाहें कि सरकार सब 23 के 23 कमोडिटी जिसपे ये लागू होती है सबको खरीद ले, तो
तो एक तो प्राइवेट सेक्टर विल बी टोटली एल्बोड आउट ऑफ बिजनेस, ओके, और सारा सबसे बड़ी गवर्नमेंट हो जाएगी बिजनेस की वो. और मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट के पास ये वेयर विदॉल है कि ये 23 की 23 कमोडिटीज को संभाल ले एमएसपी के ऊपर. हमारा तो एक सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को कुछ अपनी जो भी कमोडिटी उनको ध्यान देखना है देश की सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, उसमें आप खरीदने की बजाय उसमें भावांतर जो कहते हैं ना, जो भाव डिफरेंस होता है, जो भी आपका एमएसपी, मान लो कोई चीज का एमएसपी आपका 2000 रुपए टन है और बाजार चल रहा है सामने 1800 रुपए टन, तो 200 रुपए का जो डिफरेंशियल है वो आप किसान को डायरेक्टली दे दें. तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो मार्केट फोर्सेस अपने नॉर्मल उस पर चलेंगी और किसान की इनकम भी डिस्टर्ब नहीं होगी और गवर्नमेंट को अपने गले में सारा माल रखने की कोई खास जरूरत नहीं रहेगी. आज भी आप खुद ही बोल रहे थे कि गेहूं और चावल का इतना इफरात में अपने लोगों के यहाँ खरीदी हो जाती है और कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि कंट्रोल रहेगा तो फिर हड़तालें हो जाएंगी, वो तकलीफें बढ़ जाएंगी. तो मेरा तो ये मानना है कि भावांतर जो है उसको गवर्नमेंट को सही तरीके से लागू करना चाहिए. मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ था बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उसमें खामियां रह गई थी. उन खामियों को आप दूर करके इसको लागू करें तो बेहतर होगा. बहुत सारी ये जो 23 कमोडिटी की लिस्ट है इसको भी छोटा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. आज आप देखिए कर्डी, सैफ्लावर, पता नहीं कितनी कितनी आड़ी तिरछी चीजें जिसका कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. तो इस लिस्ट को दोबारा तैयार करने की भी जरूरत है. जो देश को चीज जरूरत है उसको आप एमएसपी पर सपोर्ट दें, जिसकी इतनी खास जरूरत नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब संजय जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं. आपने इंडस्ट्री की चुनौतियां गिनाई, बताई कि उनके लिए क्या होना चाहिए, लेकिन सर अभी जो सबसे बड़ा मसला है और जिस बात को लेकर अभी चर्चा हो रही है पूरे देश में कि वाजिब भाव किसानों को कैसे मिले, एमएसपी की गारंटी कैसे मिले, इसको लेकर के आप लोगों ने क्या सुझाव दिया है ताकि जो प्राइस फ्रंट पर किसानों की चिंता आमतौर पर रहती है, जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो दाम बहुत गिर जाते हैं और कई बार किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसको लेकर के आप लोगों ने कोई सुझाव दिया है क्या कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, किसानों को अच्छा भाव मिले कुल मिलाकर, इसको लेकर आप लोगों ने क्या कहा है? देखिए मुख्य मुद्दा है कि खेती इस देश में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है. और जो उत्पादकता है और जो भाव मिलते हैं उसके हिसाब से किसानी में आज की डेट में किसी का भी रुझान होना बहुत मुश्किल है. तो मैं तो क्यों लूंगा जो अतुल जी ने बोला है, एक तो आपने जो भावांतर का उन्होंने सुझाव दिया, तो वो किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए एक अच्छी स्कीम हो सकती है जिससे कि मार्केट की व्यवस्था को भी नहीं बिगाड़ा जाए और किसानों को भी की भी कमाई का एक जरिया तय हो जाए. दूसरा है जो जो किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से कुछ तरह की सब्सिडी देना, क्योंकि ये खेती की उत्पादकता बढ़ाना एक बहुत ही दीर्घकालीन प्रोजेक्ट है, उसमें कई साल लगेंगे और तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता है. तो फार्मर्स को उनकी लैंड होल्डिंग के बेसिस पे एक सब्सिडी देने का प्रोविजन जो गवर्नमेंट ने किया है, आई थिंक उसको बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि लिए उससे मार्केट डिस्टर्ब नहीं होता है लेकिन किसानों की कमाई का जो की जो समस्या है वो भी सुलझाई जा सकती है. तो भावांतर, उसके थ्रू अच्छा भाव दिया जाना उनको, अच्छा मार्केट की व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं जाए. दूसरा, खेती जमीन के ऊपर उनको सब्सिडी दी जाए पर एकर बेसिस पे, ठीक है. तीसरा है जो मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी, जिसका फायदा डायरेक्टली फार्मर्स को जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे वो तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा भाव मिलेगा तो वो फार्मर्स को पास ऑन करेगा. ठीक बात है, बिल्कुल. संक्षेप में एक सवाल संदीप जी आपसे मेरा होगा. आपने वेयर हाउस के लिए कई सारी डिमांड रखी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वेयर हाउस किसानों की पहुंच में रहे, चाहे डायरेक्टली चाहे पीओस के जरिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ब्लॉक स्तर पे भी वेयर हाउस की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि किसान अपनी फसल वहां तक ले जा पाए, इसके लिए आप क्या पहल चाहते हैं बजट में?
देखिए मित्र जी, देखिए किसानों का जो भी पैदावार है वेयरहाउस पे पहुंचता है तो उसका एक मेजर कारण क्या है कि किसानों को उसके अगेंस्ट फाइनेंस भी चाहिए है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस कंट्री में, और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक ये और दूसरा मुद्दा है। अब बैंक्स की अगर आप रीच देखेंगे तो बैंक्स की रीच जो है उसमें आप हर सेक्टर में देखेंगे तो एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा योगदान है सेक्टर में। इसमें हम मैंने सबको सुना और ये सुना कि एक्सपोर्ट के लिए भी सब्सिडी होना चाहिए, शॉप होना चाहिए, इंपोर्ट के लिए भी शॉप होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि एक एम्पावरमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, और एम्पावरमेंट कब होगा जब पैदावार को ही फाइनेंस मिलेगा। राइट, अभी क्या हो रहा है कि फार्मर तक वो फाइनेंस पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है कि अगर एनबीएफसी उसके पास पहुंचती है तो एनबीएफसी को खुद को फाइनेंस मिलता है बैंक से, जो कि एक ऊंचे रेट पे मिलता है, और क्योंकि एनबीएफसी के पास बैंक के सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का बेनिफिट नहीं है, वो कैश फ्लो का बेनिफिट नहीं जी, है जी, तो वो जो बेनिफिट है वो आगे पास ऑन नहीं करवाता। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी एक आज की प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आपको हर चीज के लिए आपके घर पे काम होता है, ठीक है, आपका चाहे वो एंटरटेनमेंट हो चाहे, तो ये टेक्नोलॉजी का जो योगदान बाकी जगहों पे है वो एग्रीकल्चर में भी है। परंतु प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एग्रीकल्चर में रीन्यूमरेटिव ना होने के कारण वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं होती। अच्छा, तो आप कह रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, अतुल जी आपका और संजय जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस बार के बजट में खेती किसानी के ऊपर किस तरह का फोकस होना चाहिए ताकि किसानों की नाराजगी भी दूर हो और जो आमदनी बढ़ाने की बात हो रही है उसके ऊपर भी काम तेज हो। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।